पहले तो हम जानते हैं हम इस समय में जी रहे हैं, वैश्वीकृत समय है, अर्थ केंद्रित समय है, तो बहुत बदलाव है, स्थिति में बदलाव है, व्यक्ति में बदलाव है, नारी में बहुत बदलाव है, पूरे संसार में एक बदलाव की बयार है। काफ़ी अच्छे प्रभाव भी हैं इसमें, कुछ प्रौद्योगिकी है जो आपकी संचार जो है संचार माध्यम, बहुत कुछ हमने पाया भी है, बहुत कुछ खोया भी है। पर सबसे ज़्यादा मैं विस्तार में नहीं जाऊँगी, मुझे लगता है कुछ तो बहुत अच्छी बातें हैं जो हमारे जीवन को बहुत पूरे संसार से जोड़ देती हैं, इससे अच्छी बात तो हो नहीं सकती, लेकिन साथ ही एक आयातित संस्कृति हम पर हावी हो गई है, वो हम जितना उसको हम पर भी कुछ निर्भर करता है काफ़ी कुछ, और बदल रहे हैं हमारे नैतिकता के जो प्रतिमान है वो बदल रहे हैं, बदल चुके हैं काफ़ी हद तक। फिर भी मैं ज़रूर कहूँगी, मुझे एक याद आता है, उनका नाम है फ्रीडमन, फ्रीडमन ने किताब लिखी, उन्हें कहा है जो आज समय है वैश्विक समय उसे आप बच नहीं सकते, हर एक के हाथ में मोबाइल तो है ही है, आप नहीं बच सकते दुनिया की गतिविधि में क्या हो रहा कैसे हो रहा, लेकिन इसके साथ एक और बात वो कहते हैं, आप जानते हैं कि इस वैश्विक समय ने क्या किया है, एक दौड़ है, एक दौड़, और हम अपने को भूलते हैं, हम निजीपन जो हमारा है वो हम भूल जाते हैं। हमारे किसी ने कहा भी है कि वैश्विक आप उसको संस्कृति बोलिए, संस्कृति बोलेंगे आचार विचार जो भी है, हम अपनी संस्कृति भूलते रहे भूलते जा रहे हैं। मैं यहाँ पर ये ज़रूर, मिथिला जी हैं वो तो खैर बहुत कुछ कहेंगे संस्कृति के बारे में, मैं दो बातें कहूँगी, थोड़ा थोड़ा बहुत उनको भी बोलना है आगे। मुझे लगता है मैं खैर ज़्यादा नहीं बोलना चाहती इस विषय में, मिथिला जी बोलूँगी, मैं स्त्री को लेकर बात करूँगी। मुझे लगा हमारे वेदों ने कितना महिमा गान किया है स्त्री का, कितना उसको सरस्वती बोला, लक्ष्मी बोला, शिवा कश्मीर में तो माना जाता त्रिकशास्त्र शास्त्र का, उसमें कहते हैं शिव शक्ति के बिना शव है, उसका कोई मतलब नहीं, शक्ति ही उसे वो शिवत्व देती है जिससे वो महान बन गया है, वो हमारे ट्रेडिशन में विश्वास करते हैं। तो इतनी महिमा आपने दी है, इतना बहुत ऊंचा उठाया, पर मुझे बताइए, देखिए वेदों में कहते हैं ऋचाएँ लिखी गई, ऋषियों ने लिखी, महिलाओं ने लिखी, जिनको ऋषिकाएँ कहा गया तो वो इसका अनुमोदन करेंगे, उन्होंने भी लिखी ऋचाएँ, और ये गांधी का नाम आप सब जानते हैं, शास्त्रार्थ कर रही हो, याज्ञवल्क्य के साथ इतनी क्षमता तो उसमें है, इतना राजस्व तो है, वो कर रही है, लेकिन ये भी सच है कि दो प्रश्नों के बाद उसको तीसरा प्रश्न करने नहीं दिया गया। यहाँ पर आप समझ सकते हैं क्या कहते हैं, कहते ये है, मैंने हमारे एक आचार्य रहते हैं हमारे पड़ोस में जो गाँव में ही है, मैंने उनसे पूछा तीसरा प्रश्न क्यों नहीं बोलने दिया, पूछने दिया, वो थोड़ा सा शक पक है, बोले वो अति प्रश्न था, मैं आपसे पूछती हूँ अति प्रश्न क्या होता है, क्यों नहीं बोलने दिया, क्या उनको लगा कि भाई ये तो हमारे बराबर आ रही है, ये कुछ समझ में नहीं आता, इसको तो कहीं रोकना पड़ेगा। मुझे लगता है कुछ ऐसा था कि पुरुष वर्चस्व का भी था, और आप ये जानते हैं संहिताएं बने, नियम बनाए, पुरुष ने बनाए, मात्र सत्ता जो समाज था वो तो अलग बात है, अभी हमारे पितृसत्ता समाज है, बराबर यही चला आ रहा है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी, स्त्री ने अपनी बात ठीक है किसी न किसी तरह उसने कही, पहले वाचिक परंपरा में जो बाद में तो लिखा गया, पहले तो वाचिक परंपरा थी, उसमें आप देखिए लोकगीतों को देखिए, उसमें उत्सव भी है, उसमें बहुत कुछ महिला सुन कर लिखा, राग रंग जीवन के जो भी हंसी खुशी सब है, पर उसमें शिकायत भी है, उसमें रुदन भी है, उनको लगता है कहीं कुछ है जो हम कह नहीं पाते, हम पर तकलीफें भी हैं। आपने अगर थेरी गाथा उनके बारे में कुछ मुक्तक है, वहाँ कहते एक महिला एक लेखिका एक वाचिक परंपरा में है, वो कहती हैं मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे करके चूल्हे चौके से मुक्ति चाहिए, मुझे टेढ़े पति से मुक्ति चाहिए, टेढ़ा पति क्यों हो गया, कुछ तो उसको तकलीफ है, वो कोशिश टेढ़े पति से मुक्ति चाहिए। मृणाल पांडे ने एक उपन्यास लिखा ओ उदीरी, अगर किसी ने पढ़ा हो तो, वहाँ वो कहती हैं ओ उदीरी तुम क्यों रो रही हो, तुम किसके लिए रो रही हो, ये तो एक जंगल है, इसमें इतनी दुखी स्त्रियाँ हैं, तुम किस किस के लिए रो। तो आपको ये भी पता चलता है कि समाज इतना स्त्रियों को वो सब देवी सरस्वती होने के बाद, ये तो खैर उसके पहले आप कह सकते हैं वही रुपये पूर्व कह सकते हैं लोकगीतों वगैरह के बाद, तो कहीं ना कहीं स्त्री के भीतर भाव रहे हैं, वो धीरे धीरे अपने गीतों के माध्यम से कहती रही हैं, पर ठीक है संसार चलता है वो भी चल रही हैं। मैं यहाँ थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ूँगी, तो आगे फिर उसको छोड़कर हम आगे चलते हैं, पर वेदों में जो महत्म गाया वो सब आप जानते हैं, नारे तो पूजन दे रमन देता तर देवता, ये सब तो आप जानते हैं, कितना पूजा हमने, हमने उसको देवी तो बनाया पर साथ ही हमने उसको देवदासी बनाया, मंदिरों में अर्पित भी किया, तो वो उसकी बाजी जी का
मंदिरों में सब देवता ही तो नहीं रहते, राक्षस भी रहते, सब जगह रहते हैं। आपने उसके प्रशंसा की, वो नृत्यकार थी, उसकी कला कौशल की बहुत तारीफ की, आपने उसको राज दरबार में भेज दिया नर्तकी बनकर। आपने उसको विष्कन्या बनाया, क्योंकि एक राजा दूसरे को हराना चाहता तो विष्कन्या को भेजता था। तो क्या आपको नहीं लगता कि नारी का उपयोग हुआ है? हम मैं बहुत उस तरह से नहीं जाती, पर सर्वसम्मत बात है, एक उपयोग है। वो चाहती नहीं चाहती तो ले जाएगा, आपको जाना, आपको काम करना है। तो वर्चस्व हमेशा रहा है, मैं ये कहना चाहती हूँ। तमाम खूबियाँ हैं, इसमें कोई बात नहीं। पुरुष हमारे भाई बंध हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे साथी हैं, उनका सम्मान करती हूँ। पर ये भी हमें मानना चाहिए कि स्त्री के दुखों में बहुत बड़ा हिस्सा इसका भी है। अगर वो थोड़ा बदलता समय के साथ, अर्धनारीश्वर बनता, स्त्री की कोमलता कुछ समानता के स्तर पर लेता उसको, तो शायद इतना विरोध नहीं होता स्त्रियों के मन में। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.